सामान्य निर्वाचन 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के ब्रह्मपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आस्था को काफी सम्मान दिया है, यह देश फिर से उन्हीं को चुनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ने समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को योजना का लाभ दिया है, इसलिए यह देश एक बार फिर नरेंद्र मोदी को चुनेगा। इसलिए आज सबको, क्योंकि आज इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भगवान श्री रामलला का मंदिर बना है तो हनुमान जी खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे, जोर से बताओ, खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे। और आज उनका पहला मंगलवार है देश का, ये हनुमान जी का महीना है। और हनुमान जी की गदा तो किसके लिए चलती है? राम भक्तों के लिए चलती है, राम क्रोधियों के लिए चलेगी नहीं ना, राम क्रोधियों पर चल सकती है लेकिन राम क्रोधियों के लिए नहीं चल सकती है। राम भक्त कपिल पासवान के विजय के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबसे यही प्रार्थना करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। हमारे मंच पर जिनको अभी आप सुन रहे थे, हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट के वरिष्ठ साथी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद, हमारे मित्र भी हैं और ये जान लो पहले उत्तर प्रदेश में तीसरी बार वाले तो बहुत सांसद बने, लेकिन जो चौथी बार सांसद बनेंगे वो बांस गांव के सांसद कमलेश पासवान जी हैं। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, यह स्थान मैं मानता हूं, जब भी मैं यहां आया हूं विजय श्री जरूर मिली है, पिछली बार भी मैं आया और इस बार भी सबका आशीर्वाद मिलेगा ना, दोनों हाथ लगा तो मिलेगा ना, सबका आशीर्वाद चाहिए। और आप विश्वास रखना, हर बार को आप सांसद बना करके दिल्ली भेजते थे, कमलेश जी सांसद बन करके ही वापस आते थे, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस बार आप कमलेश पासवान जी को सांसद बना करके दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली से ये कुछ और बन करके आएंगे, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। मंच पर हमारे राज्यसभा की सांसद और इसी क्षेत्र से निवर्तमान विधायक संगीता जी से आप सब परिचित हैं, एक परिश्रमी महिला, और यह आधी आबादी की ताकत, दो हिस्से बने हैं, आधी पूरी महिलाओं से भरी हुई है, सबको मैं प्रणाम करता हूं और संगीता जी के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। हमारे मंच पर इस लोकसभा के संयोजक के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे संयोजक के रूप में श्रीमान नित्यानंद मिश्र जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारा भतीजा भी है आप जानते हैं सर, श्रवण कुमार निषाद आते हैं ना, लगातार आते हैं ना, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय बेचन राम, हमारे विधानसभा के प्रभारी और संयोजक विभात कौशिक जी और ओम प्रकाश द्विवेदी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, चंदन मिश्र जी, योगेंद्र जायसवाल जी, विनोद शर्मा जी, सुप्रीम तिवारी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख दय सुमन यादव जी, हरेंद्र यादव जी, हमारे चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन ज्योति प्रकाश गुप्ता जी, हमारा जिसकी आज शादी की सालगिरह है, हमने शुभकामना दी आपको के आशीर्वाद, दिनेश पासवान जी जो विधायक है, कमलेश जी के अनुज है, डॉक्टर है। हमारे मंच पर ग्राम प्रधान श्री राम सेवक निषाद जी और अन्य जो नेता है, मैं नाम ले रहा हूं, अजय यादव मंटू जी, अजय यादव मंटू जी, राम दयाकर निषाद जी, दीपक जायसवाल जी, राजेश निषाद जी, हमारे अमित कुमार निषाद जी, लाल बदन निषाद जी, अभिजीत जायसवाल जी, विजय शाही जी और सभी मंच पर बैठे हुए लोग, लेकिन मेरे इस मंत्रिपरिषद के प्रिय साथी जो लगातार संगठन का काम देश में कहीं पर भी हो, पिछले 25 साल से जो लगातार समर्पित रहते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में हमारे साथी हैं श्री धर्मवीर प्रजापति जी,
आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी और धर्मवीर प्रजापति जी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मैं यहां पर उपस्थित मेरे पिता समान सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में एक तरफ गरीब, दूसरी तरफ गुंडे अपराधी माफिया, तो गरीबों से गुंडे अपराधी माफिया जीत सकते हैं क्या? बताओ, जीत सकते हैं क्या? गरीबों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होगी और गरीबों की ताकत के बल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी दो बार के देश के प्रधान सेवक हैं और आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधान सेवक 4 जून को बनने जा रहे हैं। इसके लिए इस भीषण गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आगमन यह दर्शाता है, यह बताता है कि आप मोदी जी को कितना प्यार करते हैं, मोदी जी को कितना चाहते हैं। मोदी जी इस देश के गरीबों का आंसू पोंछने वाले हैं, इस देश के गरीबों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में गरीबों के लिए जितना काम किया है, 60 साल देश में कांग्रेस की सरकार थी लेकिन इसका 10/10 हिस्सा भी नहीं किया। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की अभी भी जरूरत होगी। मोदी जी आपकी लोकसभा में आकर के कमलेश पासवान जी को आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन उनका सपना क्या है? वो चाहते हैं कि इस देश में मैंने 4 करोड़ गरीबों का घर तो बना दिया, लेकिन जब सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों के पिछड़ी की सरकार थी तो इन्होंने सर्वे कराने के बाद जो गरीब थे उनको अमीर दिखा दिया, जो अमीर थे उनको गरीब दिखा दिया। अभी भी बहुत गरीब ऐसे हैं जिनको घर मिलना चाहिए। बताओ, है कि बचे कि नहीं बचे? बताओ, बचे हैं कि नहीं बचे हैं? मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार सरकार में शपथ लेने के बाद 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाऊंगा। अब जैसे ही मोदी जी ने कहा कि 3 करोड़ घर और बनाऊंगा, वैसे ही सपा बसपा कांग्रेस वालों में खलबली मच गई कि जो झोपड़ी डाल करके रह रहा था अगर उसको पक्का घर मिल जाएगा, शौचालय बन जाएगा, बिजली का कनेक्शन लग जाएगा, गैस का कनेक्शन मिल जाएगा, दवाई के लिए आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा और राशन कार्ड जो 3 साल से आपको फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों हाथ ला के बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी जी ने कहा है कि 4 जून के बाद 5 साल इसी प्रकार से फ्री में राशन और देता रहूंगा। बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, राशन हम बंद कर देंगे, भाषण सुनाएंगे। भाषण से किसी का पेट भरता है क्या? राशन मोदी जी को गरीब का दर्द मालूम है। वो एक चाय बेचने वाले मां बाप के बेटे हैं, वो गरीबी का दर्द जानते हैं, इसलिए उन्होंने 10 साल में गरीबों का दर्द जितना दूर करने की सरकार के पास सामर्थ्य थी उससे ज्यादा दूर करके दिखाया। मोदी जी कहते हैं इस देश के खजाने पर, इस देश की संपत्ति पर, इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है और सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं इस देश की संपत्ति पर, संसाधन पर, खजाने पर पहला हक मुसलमानों का है। आप बताओ, पहला हक गरीबों का होना चाहिए कि मुसलमानों का होना चाहिए? दोनों हाथ ला बताओ, किसका होना चाहिए? गरीबों का हक लाने के लिए आप सबको 1 तारीख को कमलेश पासवान जी मेरे छोटे भाई हैं, चौथी बार सांसद बनाने के लिए कमल का बटन दबाना है, इन्हें आशीर्वाद देना है। और जितने अंतर से आप लगातार 3 बार जिता चुके, लेकिन इस बार अगर आप चाहते हो कि बांस गांव का बांस दिल्ली तक गूंजे तो उसके लिए इनको बड़े अंतर से जिताने का काम करना। जिताओगे
जिताओगे? देखिए आप सबके आशीर्वाद की ताकत कितनी है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो गरीबों का बैंक खाता भी नहीं खुलता। अगर आपने मोदी जी को कमल के फूल पर वोट नहीं दिया होता तो रामलला का भव्य मंदिर भी नहीं बनता। अगर आपने कमल के फूल पर वोट नहीं दिया होता तो जम्मू काश्मीर से 370 नहीं हटती। आपने कमल के बटन को दबाया है, इसलिए आज जिस भारत को देखना चाहते थे आप लोग, वह भारत आपको देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, जम्मू काश्मीर से 370 हट गई, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी काश्मीर का एक हिस्सा है। बताओ कितने लोग चाहते हो कि वहां भी तिरंगा फहराया जाए? दोनों हाथ उठाए बताओ सब लोग, वहां भी फहराया जाए ना? उसके लिए काम करना पड़ेगा। मोदी जी ने 370 हटाया है। आप सबको कमलेश जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर जितना वोट आपने 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी दे करके जिताया था, उस बूथ में 370 वोट और बढ़ाना है। बताओ कौन कौन बढ़ा सकते हैं? जरा सब लोग भाग लगा बताओ, 370 वोट और बढ़ाना है। अगर इतने लोग बढ़ा लोगे तो मेरा आना सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं कमलेश जी को केवल सांसद बनाने नहीं आया हूं, मैं जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनकी जमानत जब्त कराने आया हूं, जमानत जब्त कराने आया हूं और यह निवेदन करने आया हूं। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे कान खोल करके सुन ले, कांग्रेस के गालीबाज नेता मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता मुझे केशव प्रसाद मौर्य को गाली देते हैं। आप रोज देखते हो नहीं देखते हो, सुनते भी नहीं सुनते हो? मैं कभी किसी को गाली दिया क्या? मेरे प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी को गाली दिया क्या? हम आपसे अपील करने आए हाथ जोड़ करके, इन सबकी गाली का जवाब गाली से मत देना, इन सबकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके देना, कमलेश भाई को सांसद बना करके देना, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बना करके देना, और साइकिल के पुर्जे पुर्जे खोल करके बांस गांव से अखिलेश यादव जी को पार्सल भेज करके देना। या मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया, करोगे? करोगे? इनकी साइकिल को तो पंजर इसकी चैन उतारने का काम तो 2014 में हुआ, 2017 में टायर ट्यूब इनकी उतार दिया, 2019 में इनका रिम और तो सब क्या क्या होता है हैंडल निकाल दिया। अब 2022 में आपको याद होगा चुनाव चल रहा था और सपाइयों की गुंडागर्दी शुरू हो गई। अब 2024 का भी चुनाव चल रहा है और उनके गुंडे तांडव करने लगे हैं। अब वो साइकिल चारों तरफ से आपने सपा की साइकिल को खोल करके एकत्र कर दिया, अब उसको केवल पैकिंग करके पार्सल करना बाकी है 2024। और ये समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने का काम करना है। क्या बनाना है? सपा को समाजवादी पार्टी बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करना है। और आप हनुमान जी का आज दिन है, मेरे कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह शक्तिशाली भी हो। 2014 में सपा की सरकार थी, लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने कमलेश जी को जिता के भेजा था कि नहीं भेजा था? सपा के गुंडों से डरे थे क्या? कोई बताओ डरे थे क्या? जब किसी सरकार भेजते हुए आप नहीं डरे और कमल खिला दिया। 2017 का विधानसभा चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया, आपने 325 विधायक जिता दिया अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। क्या आपको कोई डरा पाया क्या? भाजपा को कोई हरा पाया क्या? जब ये सत्ता में रहते हुए आपको न रोक पाए हैं न हरा पाए हैं, तो या तो आप 2000
सत्ता से बाहर। अब आजकल ये सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। इनको सत्ता सेवा के लिए नहीं चाहिए, इनको शोषण करने के लिए चाहिए। आज उत्तर प्रदेश से आने का खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुई बताओ, गुंडाई खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई बताओ। मैं गरीबों के जीवन में खुशहाली की गारंटी ही कमल का फूल है, इसलिए मैं कहा करता हूं घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देंगे। मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण किया है, आप सब जानते हो। आपकी विधायक क्या राज्यसभा देश के उच्च सदन की सदस्य, बहुत सारे गरीब परिवारों से, मैं भी एक गरीब परिवार से निकला, लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन मैं एक एक कार्यकर्ता को, भाजपा के कार्यकर्ता और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है। किसी कार्यकर्ता की कोई समस्या है तो वह अपना अधिकार उतना ही समझे जितना केशव प्रसाद मौर्य के पास है। और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सबने लगातार भाजपा को आशीर्वाद दिया, विजय दिलाई, आज कितने लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, आप सब पर मुझे भरोसा है। इस बार कितनी लीड रहेगी, कमलेश जी को पिछली बार कितने वोट जिताए थे आपको, एक लाख छियासी हजार से जिताए, लेकिन इस बार बढ़ाना है। इस बार तो सपा बसपा का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस का कोई मतलब नहीं यूपी में, ये सब अलग थलग पड़े हुए हैं। इस बार आपको अपनी ताकत दिखाना है, और ताकत दिखा करके 3 लाख से अधिक वोटों से कमलेश पासवान जी को विजय बना करके भेजने का काम करना है, ये मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा। 3 लाख से ज्यादा वोटें जिताओगे, दोनों हाथ लगा बताओ जिताओगे, आप पर मुझे भरोसा है। आप 3 लाख से अधिक वोटों से जिता करके भेजवाने का काम करिए, मैं भी जोर लगाऊंगा जो आप सबके दिल में, आप सबको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बताइए मानगांव आप जीत रहे हो कि जीत रहे, दोनों हाल में बताओ ना, जीत रहे हो कि जीत रहे, बगल में गोरखपुर आप जीत रहे हो कि जीत रहे हो, बगल में कुशीनगर जीत रहे हो कि जीत रहे हो, देवरिया जीत रहे हो, रविंद्र कुशवाहा जी सलेमपुर से जीत रहे हैं, और यहां तो निषाद पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी बैठे, केशव प्रसाद जी जा रहे, अब बहुत सारे मेरे परिवार के लोग भी आए हैं, मैं जाता हूं, और यहां मुझे हर चुनाव के समय आने का मौका मिल जाता है, और ये विजय स्थल के रूप में इसे लगता है घोषित करना पड़ेगा, यहां सभा होगी तो विजय सुनिश्चित हो जाएगा, तो यहां की सभा ये विजय को सुनिश्चित करने वाली है। और आप सब ध्यान रखना, आजकल तो आप सब बैठो कमलेश कोई बात नहीं बैठो, आजकल तो आप लोग लगातार, इधर बिहार है, बिहार में सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है, मालूम है कि नहीं किसी को, और इधर चले जाओ हरियाणा तो वहां नायक सिंह सैनी जी हैं मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य आपका बैठा ही है, तो आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है, ये सपा को सांपनाथ समझिएगा और बसपा को नागनाथ समझिएगा और कांग्रेस को कालियानाथ समझिएगा, ये डसने वाले लोग, और ये तीनों पार्टियां आप सबके आशीर्वाद से ही आज आईसीयू में पड़ी हुई है, और जो आईसीयू में पड़ा है अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा हो जाएंगे तो फिर लोगों को दसने का काम करेंगे, इसलिए जो आईसीयू में पड़ा है उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मेरा नारा रहता है 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। अब आप कहोगे बंटवारे में भी आपका है, कैसे? क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है, कोई भेदभाव किया है क्या? सम्मान निधि जो मिल रही है किसान सम्मान निधि, सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दोनों हाथ लगा बताओ, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर मोदी जी नहीं होते तो ये सम्मान निधि मिलती क्या?
अगर मोदी जी नहीं होते ये फ्री विरासत मिलता क्या? जो गरीब आदमी है बीमार पड़ा है, इलाज कराने का पैसा नहीं है, मोदी जी नहीं होते तो 5 लाख तक का इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड मिलता क्या? मोदी जी ने कहा है 4 तारीख के बाद जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उन सबको 5 लाख रुपया का इलाज कराने की फ्री में सुविधा अलग से देने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 3 वैचारिक मुद्दे, एक था अयोध्या में राम मंदिर बनाना, दूसरा था 370 हटाना, तीसरा सामान्य नागरिक संहिता लाना, तीसरा काम तीसरे कार्यकाल में मोदी जी पूरा करने का देश से संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किए। महिला सशक्तिकरण यहां दिखाई भी दे रहा है और मोदी जी कर चुके हैं। माताओं बहनों, अब देश की लोकसभा और विधानसभा में 100 में से 35 की संख्या ऐसी होगी जिसमें महिलाएं ही विधायक सांसद बनेगी, ये मोदी जी की गारंटी है। अगर 2014 का चुनाव लोगों के विश्वास की जीत थी तो 2019 लोगों के उम्मीद की जीत थी, लेकिन 2024 लोगों के गारंटी की जीत होगी, मोदी की गारंटी की जीत होगी। इसलिए आप सबको मैं निवेदन करूंगा, ये सारे विरोधी कितने हैं, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, बिहार में लालू यादव जी की पार्टी वाले, सारे लोग इनकी गठबंधन बनाया, कह रहे हैं हम तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। बताओ ये सारे विरोधी मिल करके गरीबों की सेवा में लगे हुए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगे क्या? बताओ रोक पाएंगे क्या? उनको मालूम भी नहीं है, आधी आबादी तो मोदी जी के साथ खड़ी है। माताएं बहने, मेरे बहुत सारे परिचित सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं, उनसे मैं पूछता हूं क्या हाल है भैया आपके सपा बसपा कांग्रेस का, तो वो लोग कहते हैं कि आपके मोदी जी ने पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है, हमारे घर की महिलाएं कहती हैं कि हम मोदी जी को ही वोट देंगे। सही है क्या ये? बताओ माता बहनों, सही है ये? कोई सपा बसपा कांग्रेस नहीं है, माताएं बहने तो मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और माताओं बहनों का आशीर्वाद अगर मोदी जी के साथ है तो देश के नौजवान क्या पीछे रहेंगे क्या, किसान पीछे रहेंगे क्या, गरीब पीछे रहेगा क्या? मोदी जी तो अगड़ी जाति हो चाहे पिछड़ी जाति हो चाहे अनुसूचित जाति हो, इसकी त्रिवेणी बहाने वाले हैं। मोदी जी ऐसे नेता हैं जो गरीब सफाई करने वाले कर्मचारियों के प्रयागराज के कुंभ में चरण धोने वाले हैं, मजदूरी करने वालों की पूजा करने वाले हैं। मोदी जी जैसा नेता बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। आप सब लोगों से यहां पर निवेदन करूंगा, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा उत्तर प्रदेश के दो बड़े माफिया थे, एक की मौत बीमारी से हो गई, एक की किसी हत्यारों ने हत्या की हो, कौन कौन? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। अब अखिलेश यादव जी को बाबूजी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, ओबीसी वर्ग से आते, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए, उनको लगा उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव जी लखनऊ से चलकर के गाजीपुर गए, कहां? मुख्तार अंसारी की कब्र पर मातम मनाने के लिए। बताओ ये अखिलेश यादव जी के बारे में क्या सोचना चाहिए? अब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मेरा क्यों विरोध इस तरह से करते हैं, अरे आप अगर पीडीए की बात करते हो तो पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए काम करो, आप तो गुंडों अपराधियों माफियाओं के लिए काम करते हो। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती ना, ये आजकल रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार की बात अगर इनकी सरकार होती तो इनकी सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों को बम बनाने का, कट्टा बनाने का लाइसेंस मिलता। आप सबके आशीर्वाद से कमल का फूल खिला, सुशासन का कमल खिला, विकास का कमल खिला, सुरक्षा का कमल खिला, सम्मान का कमल खिला, लेकिन उसके कारण से आप सब प्रकार से सुरक्षित हो और आगे भी सुरक्षित रहोगे। 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, और माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं,
और आप भी जो कहे हो वो करिएगा, ये मैं आप सबसे अपील करता हूं और निवेदन करता हूं। 4 जून को तो वोटों की गिनती होगी, लेकिन 4 जून के बाद आज जल्दी की आज कई सभाएं, मैं बहुत सारी बातें अपनी नहीं कह पाया, लेकिन आप सबसे इतना ही अंत में कहूंगा कि मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अगर मुझे और डॉक्टर संजय निषाद जी को यहां आप सबका आशीर्वाद मांगने का मौका मिला है तो ये निवेदन करूंगा, मेरे सम्मान का भी ध्यान रखना और इतने कमल खिलाना, इतने कमल के बटन दबाना कि कमलेश पासवान जी को लगे अगर इनके नाम से लाते एक मात्रा हटा दो तो इससे भी कमल हो जाता है, तो इनको कमल खिला करके रिकॉर्ड वोटों से भी जय बना करके भेजने का काम करिएगा। 4 जून के बाद मंच पर जो हमारे सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, पार्टी के पदाधिकारी गण बैठे हैं, सामने नहीं बैठे, मैं सबसे कहूंगा ये विजय स्थल पर एक कमलेश जी विजय उत्सव मनाने का कार्यक्रम भी 4 जून के बाद रखिएगा, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि चुनाव के समय तो मैं हर बार आता हूं लेकिन चुनाव के बाद आने का मौका नहीं मिलता, तो चुनाव के बाद चुनाव के लिए जाओ, दोनों हाथ में माता बहने नहीं बुलाओगी क्या, सब लोग बुलाओगे ना, तो मैं आप सबसे निवेदन करके कि 4 जून के बाद वो जून में आएंगे कि जुलाई में, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई दिन इस विजय स्थल पर एक कार्यक्रम करने के लिए आएंगे और विकास की सौगात भी लेकर के आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं, जो समस्याएं होंगी यहाँ चौपाल लगाएंगे, मौके की ही समस्याओं का समाधान करेंगे, गरीबों की जो शिकायतें उनको दूर करने का काम करेंगे, नौजवानों की जरूरतें जो है उसको भी दूर करने का काम करेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते तो सबकी सेवा में भी कोई कमी न रहे, तो हम सब सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे और आप वोट देने में कमी मत रखना, अगर आप कमल का बटन नहीं दबाते तो दुनिया रामलला का भव्य मंदिर नहीं देख पाती, आज कमल का बटन दबाइए, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के स्थान पर और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की जो समस्या है उसका भी अंत हो जाएगा, ये विश्वास रखते हुए आप सबके आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए एक बार फिर से कमलेश जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने दोहरा रहा हूं, इस बार आप रिकॉर्ड वोटों से इसको जिता करके भेजिएगा, कमलेश जी को आप यहां से सांसद बना करके भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से इन्हें कुछ और बना करके आपके पास भेजेंगे, इस विश्वास के साथ पूरी ताकत लगाना, कमर खिलाना और जहां जरूरत हो ये डबल इंजन सरकार की चाबी आपके हाथ में होगी, लखनऊ में केशव प्रसाद आपका कार्यकर्ता बैठा हुआ और दिल्ली में कमलेश जी भी है, आजकल संगीता जी भी दिल्ली में है और उधर हमारे संत कबीर नगर से इंजीनियर प्रवीण निषाद जी भी पहुंच रहे हैं, ये सब आपके सबके जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान की गारंटी वाले हैं, और मोदी जी ने भी कहा है 10 साल जो देखा है वो टेलर था, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी, 4 जून के बाद, इसलिए मेरे साथ नारा लगाइए, आपकी बात जोश बोलिए।